थी। ये क्या किया तुमने? मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिला दी। ओए, कल तूने क्या किया था? तो तुम रिवेंज लेना चाहते हो मुझसे? बेबी, इसको रिवेंज नहीं, इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, ह्यूज डिफरेंस। ओह, दैट इक्वल्स टू रिवेंज, राइट? मतलब मैं ये जो ये कॉलेज का इतना बोरिंग प्रोजेक्ट एरर रोल प्रोजेक्ट, दिस इज द ओनली मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की बात की और रिवेंज की बात की, मुझे एक्चुअली एक स्टोरी याद है। अच्छा? तो मैं तुम्हें आज स्टोरी सुनाऊंगी। कहां से भाई, आज कहां से निकला है सूरज? तुम ऐसा एक्ट करो जिससे मैंने तुम्हें कभी स्टोरी नहीं सुनाई। सुनी है। सुनो ना। सुनाओ ना। ओके, तो ये कहानी है अंगद और महक। ये दोनों ना एक दूसरे से हमेशा रिवेंज चाहते हैं। सो दिस स्टोरी बिगिंस विद अंगद। लॉन्ग 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 टाइम अगो। राजेश बेटा, फिर इस लाडली बेटी को तैयार होने में और कितना टाइम लगेगा? अरे जिसके लिए पार्टी रखी है वो ही नहीं है। अरे माँ, पोती किसकी है हा? अब तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। अच्छा, अब तेरी बेटी वापस आ गई है इसलिए तू माँ की टांग खींचेगा। अरे माँ। सर, ये अंगद मेरा बेटा, आपको बताया था ना ये बैंड इसी का। ओह गुड, बहुत अच्छा की कार्य चल रहा है। देखो अंगद, जब मेरी बेटी इस पार्टी में एंटर करे ना, एकदम से म्यूजिक बनना चाहिए। ओके सर। एकदम उसका वार्म वेलकम होना चाहिए, राइट? ओके। अरे माँ वो आ रही है। अंगद, स्टार्ट विद योर म्यूजिक। मेरी प्यारी और इकलौती बेटी महक बरसों से यूके में एक रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रही थी और आज आ गई है मेरे पास रहने के लिए। Dad, I miss you so much. Same. And even to you, Daddy. My purely Daddy. चलो गाइस, excuse me. और इसमें? What the hell? How dare you? मैं अभी ये ड्रेस साफ करवा देता हूँ। बहुत सॉरी, ये ड्रेस साफ करवाओगे तुम? कोई आइडिया नहीं है कितनी कॉस्टली ड्रेस है ये। एक सेकंड, मेरे पूरे महीने की सैलरी को अगर डबल भी कर दो ना, देन आल्सो यू कांट अफोर्ड दिस ड्रेस। सॉरी माय फुट। नो सॉरी प्लीज डैड, आई वांट दिस पर्सन टू बी आउट ऑफ हियर राइट नाउ। डैड, मैंने पूरे ड्रेस से खराब कर दी। नो दादी, एक सेकंड, यू नो व्हाट, अब मुझे पार्टी अटेंड नहीं करनी है। जस्ट लीव इट दादी, प्लीज। अरे बेटा, अरे रुक तो सही बेटा, बात तो सुन। तुम्हारी आंखें हैं या बटन? मेरी बेटी को रुला दिया बदतमीज आदमी। देखिए सर, अगर तुम कुछ मत बोलो सर, I'm sorry, मुझसे गलती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ यहाँ से। यू आर फायर्ड। नो डैड, पार्टी का मजा साफ कर। अंकल को बुरा लगा होगा ना? हाउ इज इट फीलिंग? जॉब चली गई? जॉब तो उन्हें कल ही मिल गई थी एक होटल में, पर जो भी हुआ उन्हें उससे बहुत दुख हुआ यार। उन्होंने जानबूझ के सुना ड्रिंक कराई थी उसके ऊपर, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, और उन्होंने उससे माफी भी मांगी। यार अंगद, ये अमीर लोग ना ऐसे ही होते हैं। वन सैंडविच एंड वन बर्गर। खत्म हो गया है? खत्म हो गया। हाँ। What sort of canteen is this, जहाँ पे बर्गर नहीं है? What nonsense are you giving me? इस अमीरजादी को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि फिर किसी से ऐसी बदतमीजी नहीं करेगी। तुम उसे इतना क्यों घूर रही हो? क्योंकि वो मुझे इतना घूर रहा है। तो फिर अपनी नजर घुमा लो ना। क्यों? पहले उसने मुझे घूरा है, पहले नजर भी वही घुमाएगा। चलो यार। बैक टू बिजनेस। हाँ यस, क्या है आपके पास? क्या डैड? यहाँ डैड अभी लेक्चर अटेंड करने जा रही हूँ।
Okay, Dad, I'll talk to you later. अभी मुझे राधिका को भी ढूंढना है. Okay, bye, Dad. Excuse me. Hi, I'm Angad. इस कॉलेज का सेकंड ईयर का स्टूडेंट और आपका सीनियर. हम एक कॉलेज के ड्रामा टीम के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं एंड आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर दैट. सो आप एक ऑडिशन दे सकते हैं. हैंग ऑन, यू आर द सेम गाय ना जो मुझे कैंटीन में. हाँ, मैं वही हूँ. हाँ, मैंने आपको वहीं देख लिया था और मैंने वही सोच लिया था कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो इस रोल के लिए. सो एक टेक करें स्क्रिप्ट. या ये कैसे डायलॉग? एक्चुअली ये प्ले एलिस इन द वंडरलैंड का है, तो आपका कैरेक्टर भी कैच है और आपके डायलॉग्स भी कैच की तरह ही होंगे. यू श्योर? या ओके, सो कैन वी रोल? या या स्टार्ट. मियाओ. आई एम अ कैट. मैं एक बिल्ली. आई ग्राउल बट आई एम प्लीज. I wag my tail when I'm angry, and therefore I'm a cat, a mad cat. So meow, meow. Perfect. And if you like it, आपको रोल पक्का मिलेगा. हाँ. Thank you so much. Pleasure. Yeah. Your script. Thank you. You know where is room number 105? Yeah, just go straight and left. This way? Yeah, go straight and left. Thanks. Thank you. अब देखना. कैसे पूरी क्लास के सामने तुम्हारा मजाक बनेगा, जैसे पार्टी में सबके सामने तुमने मेरे पापा की बेइज्जती की थी. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. शायद तुम दोनों लेट एडमिशन स्टूडेंट्स हो. यस सर. ओके, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द क्लास. हेलो एवरीवन, माय नेम इज राधिका. यू ऑल कैन कॉल मी रैड. I'm glad to be part of this college. Thank you. You please. Hi friend. My name is Meow. And I'm a cat. मैं एक बिल्ली. I growl but I'm pleased. I bat my tail. Who has hacked my computer? ये वीडियो इस कंप्यूटर से कैसे चल रहा है? Who is it? Sir, can I check? Please do. ये तो कह रहा था कि ये मेरा सीनियर है, पर ये तो इसी क्लास का स्टूडेंट है. इसका मतलब ये सब इसी की प्लानिंग थी. My name is Meow and I'm a cat. मैं एक बिल्ली. ओवर स्मार्ट समझता है ना खुद को. मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी वो सारी जिंदगी याद रखेगा. महक बेटा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? यस डैड, ऑल गुड. ओह महक, मीट हिम, ही इज विवेक. हाय. ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मंजीत का बेटा है और हाँ, ये तुम्हारी कॉलेज में पढ़ता है. मैंने सोचा तुम्हारा लेट एडमिशन है इसलिए नोट्स में तुम्हारी मदद कर देगा. क्यों विवेक? श्योर अंकल, इट्स माय ड्यूटी. थैंक यू. अच्छा तुम दोनों बैठ के बातें करो, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है. मैं अभी आता हूँ. वैसे कॉलेज कैसे चल रहा तुम्हारा? मैंने आज तुम्हें कॉलेज के कॉरिडोर में किसी लड़के के साथ देखा. Listen, just slightly mentally occupied, so if you don't mind, हम लोग बाद में बात करें please. I mean, just want to be alone right now. Sure. पर महक, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे पूछ सकती हो. वैसे भी हमारी फैमिलीज हमारी एंगेजमेंट करवाना चाहती हैं, तो अच्छा होगा अगर हम जल्द से जल्द दोस्त बन जाएं. एंगेजमेंट? डैड. महक,
What happened? Dad, आप मेरे और विवेक की एंगेजमेंट की बात सोच रहे हैं? बेटा ये एक थॉट हमने सोचा कि Dad, please keep this thought to yourself, okay? भी मेरा एंगेजमेंट या शादी का कोई इरादा नहीं. ओके. बेटा बुरा मत मानना, अभी महक का मूड ठीक नहीं. प्लीज इग्नोर. आई अंडरस्टैंड अंकल. महक की नो को मैं यस में बदलने का इंतजार करूं. गुड. ओके अंकल, बाय. गुड नाइट. बाय. क्या हो गया भाई, आज मिलने का प्लान था ना? यार प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ना, इसलिए कंप्यूटर लैब में बैठा था. पता है, एक कॉलेज का प्रोजेक्ट, दूसरा इवेंट में गिटार. यही तो है हमारे अंगद का प्यार. गिटार बुलाया हूँ, बस अभी आया. तू चल. क्या हुआ? तुम्हारा गिटार टूट गया, अब तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे? तुम्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, है ना? Excuse me, chocolate milkshake please. जब तक मैं ना खाऊं ना, इस नक्सली लड़की को जाए रखना. Excuse me, Mac. Wanted to ask you something about your UK school. Yeah. Can you please tell me something? कुछ और पूछना रहेगा तो आई विल कम लेट. सी या. ओ थैंक यू. मेरा गिटार तोड़कर बहुत मजा आया था ना, अब मैं भी देखता हूँ ये भांग कैसा मजा देती है. Electronic media has emerged as an effective form. Mahek, Mahek, बिना परमिशन तुम क्लास में कैसे आ सकती हो? बाहर खड़ी हो. What's wrong with you, हाँ? इसमें हंसने की क्या बात है? इतना प्यारा बच्चा है. Shut up! तुमने नशा किया है? No, तुमने नशा किया है. और ये क्यों? Shut up! I'm the teacher. जब रस्टिकेट हो जाओगी ना तब पता चलेगा कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट. I'm sorry sir. उसे घर ले. अरे यू आर लॉस्ट इन बिग टाइम. बाय.
अब हुआ हिसाब बराबर। महक, क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल ने? महक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया? हाँ विवेक, 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 प्लीज हेल्प मी। ऑफ कोर्स, विल हेल्प यू इन व्हाट? और जब मैं एक हफ्ते के बाद कॉलेज जाऊँ, तब तुम्हें खुद ही पता चल जाए। एनीवेज, आई विल गेट इन टच विद यू। पता पापा, दो महीने से जिस असाइनमेंट के लिए मैं काम कर रहा था ना, आज फाइनली कंप्लीट होने वाला है। पता है बेटा, तुमने किस तरह दिन रात प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की है। सारा सारा दिन कॉलेज के कंप्यूटर लैब में बैठकर काम पूरा किया है। अब देखना, तेरा ये प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए बाहर के किसी भी कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अरे हाँ, मुझे असाइनमेंट का बैकअप लेना है कॉलेज के कंप्यूटर से। इतनी रात को खुला होगा कॉलेज का लैब? वो एक्चुअली कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ना थोड़ी देर तक खुला रहता है। अच्छा चल, रास्ते में पड़ता है तुझे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? चल। गॉड, अंगद, उसने अपने आप को मार दिया। ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। मैं जस्ट अगर कॉलेज में किसी को पता चल गया चुके थे ना? और मैंने सुसाइड किया, और जिन्हें मजबूर किया होता सुसाइड करने के लिए, वो वापस आते हैं। लिसन, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। I'm really sorry. सॉरी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज। सॉरी प्लीज। लिसन, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ उस डर का एहसास दिलाने आया हूँ जो तुमने मेरा प्रोजेक्ट छीनकर मुझे दिया। न जाने मैं अब क्या करूंगा, पर इतना बताने आया हूँ कि मुझसे दूर रहो। फाइल करप्ट हो गई, मगर कैसे? पता नहीं सर। बताने का क्या मतलब है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये असाइनमेंट तुम्हारी स्कॉलरशिप और हायर स्टडीज के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर ये असाइनमेंट वक्त पे सबमिट नहीं की तो तुम्हें मेन एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अशोक, तुम्हें पता नहीं ये फाइल किसने करप्ट की है?
देखो अगर कुछ और वजह हो तो बता देना, शायद मैनेजमेंट तुम्हारी कुछ मदद कर सके। नो सर, आई डोंट नो। इन दैट केस सन, आई एम रियली सॉरी। अब असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। बेस्ट ऑफ लक। तुमने अंगद के साथ बहुत गलत किया, उसकी सारी मेहनत पूरा करियर दांव पे लगा दिया। अगर वो चाहता तो तुम्हारा नाम ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो तुम्हारा नाम लेता तो कॉलेज से तुम्हें रेस्टिगेट कर दिया जाता। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अंगद बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने जो भी कुछ किया मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं उसकी हेल्प करूँगी। ये मेरा सिस्टम है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अब कौन सी फाइल रिलीज करने आई? नहीं अंगद, इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी फाइल रिकवर करने में हेल्प कर रही हूँ। तुमने मेरी पहली बहुत हेल्प कर दी है। प्लीज लीव, मैंने कहा था मुझसे दूर रहो। अंगद, अंगद प्लीज लेट मी एटलीस्ट ट्राई वंस, एक बार प्लीज। तुम नहीं जा रही ना? नहीं चले अंगद। यार अंगद, तू अब तक गुस्सा है उससे? चल ना यार, मान जा, माफ कर दे उसे। यार माफ तो मैंने उसी दिन कर दिया था उसे। I think I'm falling for her.
ये अंगद इस समय गर्ल्स हॉस्टल में क्यों जा रहा है? कहीं आज महंगी तो यहाँ नहीं है राधिका से मिलने? जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाय हाय, हाँ हाँ वो अंदर है, मैं अभी जा रही हूँ कजिन से मिलने के लिए, बाद में मिलते हैं, ओके बाय बाय। अपनी पार्टी में जैसे तुमने मेरे पापा की इंसल्ट की थी, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ऐसे छुप छुप के मिलूं। मैं कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ तुम्हें उस दिन के लिए। वैसे भी तब की महक में और अब की महक में बहुत फर्क है, और वो फर्क सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई होप मुझे तुमने उस दिन के लिए माफ कर दिया। अपने पापा की इंसल्ट करने वाले को माफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मेरे पापा ही कहते हैं कि जो अपनी गलती रियलाइज कर ले उसे माफ कर देना चाहिए। और तुम्हें तो मैंने उसी दिन माफ कर दिया था, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you too, अंगद। So? You tell me. So? कहानी कुछ और ही है, आगे तो सुनो। वीडियो मिला? ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? कहाँ से क्या, ये वीडियो मेरे पास ही नहीं पूरे कॉलेज के पास है। मैं अनशोर ये काम तुम्हारे उस दोस्त अंगद का होगा। मैं तुमने अंगद के साथ और कुछ बुरा तो नहीं किया ना? अपने पापा की इंसल्ट करने वाले को माफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसने एक बार फिर से अपने पापा के इंसल्ट का बदला लिया मुझसे। मैं कितनी पागल थी जो उसकी बातों में आ गई विवेक। I was just so stupid. महक, प्लीज इस बात का अंगद से कंसर्न मत करना, वरना पता नहीं वो इस वीडियो के कौन कौन से वर्जन वायरल करता है। सुन रहे हो ना तुम? मैक, 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 I'm so sorry यार, मैं लेट हो गया। मैक, मैक।
मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? What happened? Just stay away from me. दूर रहो मुझसे. तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तुमने अपने पापा के इंसल्ट का बदला लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारा वो वीडियो बनाया. What? तुम पता नहीं क्या कुछ ऐड किया और उसको भी आके वायरल कर दिया. ये तुम क्या बोल रही हो? Just stay away from me again. And don't follow me. क्या इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा था ताकि वापस आकर तुम मेरे मुंह पे गाली फोड़ सको? फोन आया था तुम्हारे कॉलेज से. बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर मैंने उन्हें इस मामले को दबाने के लिए बोला है. मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाती. सॉरी डैड. खबरदार जो अपने मुंह से मुझे डैड कहा. डैड का सब तुम्हें शर्म से झुका दिया. वो तो भला हो उस मंजीत का जिसने इन सब बातों को जानने के बावजूद अपने बेटे विवेक से इसकी एंगेजमेंट के लिए हामी भर दी. वक्त ना खराब करते हुए 2-3 दिनों में तुम्हारी एंगेजमेंट विवेक के साथ कर दूंगा. काश मैंने इसे वापिस ना बुलाया होता. महक, मेरे डैड ने बताया तेरी एंगेजमेंट विवेक के साथ हो रही है. आई एम सो हैप्पी. अब सब सही हो जाएगा. सीरियसली लिसन टू मी यार, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ. जो भी गलत फहमी हुई है एटलीस्ट मुझे क्लियर करने का मौका तो दो. आज तुम्हें मेरे से बात करनी पड़ेगी. छोड़ो मेरा हाथ अंगद. नहीं छोड़ूंगा. मैं आज बात करके ही रहूंगा. क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? अंगद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बात के लिए मैं तुम्हें इतनी बार सॉरी बोलूंगी उस बात का बदला तुम इस तरीके से लोगे. पहले जिससे प्यार का झूठा नाटक किया तुमने, मेरा विश्वास जीता. इतनी घटिया हरकत की, मुझे बदनाम करने की कोशिश की तुमने. यू नो व्हाट अंकल, तुम्हारी वजह से मैं जिंदगी में कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी. हल बिल्कुल से महक बात सुनो. महक मेरी होने वाली बीबी है. हाँ छोड़. स्टे अवे फ्रॉम हर. में बहुत कुछ ऐसा है जो हुआ ही नहीं था. मुझे पता लगाना पड़ेगा ये वीडियो महक को सबसे पहले किसने भेजा. शायद उसी से पता चले ये वीडियो बनाया किसने. सेड, तुम इतने टाइम क्यों हो? क्या हुआ? होऊंगा ना यार, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को कैसे वीक कर देते. विवेक ने अंगद और महक की रिलेशनशिप को वीक कर दिया एक मिसअंडरस्टैंडिंग से. एक तीसरे बंदे ने. मैं कभी किसी थर्ड पर्सन को हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगी. आई प्रॉमिस. अब देखते हैं
महक और अंकित के साथ क्या होता है, फिर तुम मिस अंडरस्टैंड। तो आगे यू नो ये होता है कि जो अंगद है, स्टूडेंट्स दिस इज द प्रैक्टिस टेस्ट बिफोर द मेन एग्जाम, लेकिन मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज राइट दिस एज द मेन एग्जाम वेरी सीरियसली। सो नो बैग्स, नो मोबाइल फोन्स, रिक्वेस्ट यू प्लीज कीप ऑल योर बैग्स एंड मोबाइल फोन्स आउटसाइड। पेपर जैसे ही खत्म होगा आप ये रूम छोड़ के जा सकते हैं। टाइम है, मैं महक का फोन चेक कर सकता हूं। अंगद, व्हाट इज दिस, तुम चीटिंग कर रहे थे, माना कि ये प्रैक्टिस टेस्ट है, बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट अलाउ यू टू राइट द पेपर नाउ, प्लीज सबमिट द शीट एंड लीव द रूम। विवेक, महक मेरी होने वाली बीबी है, हाँ छोड़। विवेक ने महक को सबसे पहले वीडियो भेजा, पर ये वीडियो देखने के बाद भी वो महक से एंगेजमेंट के लिए कैसे तैयार हो गया? या तो वो महक से बहुत प्यार करता होगा, या फिर उसी ने ये फेक वीडियो बनाया होगा। हो ना हो, इस एमएमएस के पीछे विवेक का ही हाथ है। कौन? सर आपकी शेरवानी। कम इन। तुम किसके कहने पे तूने वीडियो भेजी? क्यों बताऊं मैं तुझे? बता। हाँ, मैंने बनाई थी वीडियो। पर क्यों? क्योंकि मुझे तेरी और महक की भर्ती नजदीक पे से जलन हुई, पर मैं महक को पाने के लिए कुछ भी कर सकता। तुमने अपनी बस के लिए मेरे प्यार की बलि चढ़ा दी। अब जाके सबको ये बता कि तूने वीडियो बनाई थी, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सच्चाई पता है तो मैं अपनी गलती कबूल कर लूं? तेरे पास सबूत क्या है? सबूत? ये देख सबूत, मेरा ही हथियार मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। अब जाके सबको ये जुर्म कबूल करके तूने वीडियो बनाई थी, तो तेरा ये वीडियो का कंप्रेशन ना सबको जाकर दिखाता। भाई बड़ी प्यारी बच्ची है मेरी होने वाली। बच्ची मेरी, बहू तुम्हारी। थैंक यू यार। राजेश। हाँ माँ। बेटा महक तो आ गई पर विवेक नहीं आया अभी तक, और मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। अरे कहाँ अभी तुम्हारा बेटा? बोल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने? और ये क्या बदतमीजी? और बेटी मेरी लाइफ इतनी खराब कर चुकी है, और कितना खराब करना चाहते हो? महक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चुपचाप यहाँ से बिना तमाशा के भाग जा। महक तुम्हें मुझे यहाँ सुनना होगा। जो तुम्हें सुनाई दिया और दिखाई दिया वो सब सही नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी अंकल। तू बोल,
हाँ वो वीडियो मैंने बनाया और उसमें कुछ शॉर्ट्स एडिट भी किए थे ताकि तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ और अंगद से पीछा भी छूट जाने दो। जब गिटार बजाना नहीं आता तो बजाती क्यों? हाँ, मुझे गिटार बजाना नहीं आता, पर मुझे सीखना है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मैं फीस लूंगा, फ्री में नहीं सिखाऊंगा। लेकिन फीस क्या होगी? फीस तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, मेरी लाइफ पार्टनर बनके। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना विधि, एक रिलेशनशिप में जब वहां सच्चा प्यार अनकंडीशनल कुछ माने को